होटल पे चलकर चाय पीते हैं। जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं। वो मोहम्मद जो गाड़ी चलाता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उसका घर है, मगर वो यहाँ नहीं रहता। सारा दिन दोस्तों के साथ दुकान पर ओके खेलता रहता है। क्या मतलब इस बात का? ओके खेलता है वो, ये एक खेल का नाम है दरअसल। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलो भाई, तुम्हारी बारी है, तुम खेलने तो दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं। असूद मोहम्मद का रिश्तेदार कौन है? गुड लक। शुक्रिया, आज तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, ये रही मेरी चाल। इजाजत है क्या? हाँ हाँ, बैठिए, आराम से बैठिए। यहाँ मोहम्मद वैसे भी खेलेगा। हाँ भाई साहब, वो देखो, वो क्या हो रहा है वहां पर उस तरफ। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, जानना चाहोगे? जी, समझा नहीं किस बारे में। वो रसूल के मुतालिक, उसके रिश्तेदार हो ना तुम? भाई चाय लेके आइएगा, चीनी के बगैर। आप चाय लेंगे चीफ साहब? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम्हारा खेल खत्म हो जाए तो फिर बात करते हैं। वो रसूल के बड़े चचा मेरे दादा हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं मेरे। ये बताइए कि आप लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? मोहल्ले में तो सब लोग तुम्हें रसूल मोहम्मद के नाम से जानते हैं, लगता है कि ज्यादा दूर के नहीं थे। ए, हिल्मी, तुम पत्थर चुरा रहे हो। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने बेईमानी की है, छोड़ूंगा नहीं। जबान संभाल के बात करो, मैंने कोई बेईमानी नहीं की तुमसे। आराम से यार, क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में? मैंने तुम्हें खुद देखा है, हट जाओ मेरे रास्ते से। भागो डेनिस, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, भागने ना पाइए, पकड़ो इसे। बच के भाई, पकड़े गए हो तुम। मुझे लगा कि आप लोग पुलिस है, इसलिए मैं डर गया था। बस कभी कभी मुलाकात होती है रसूल से, लेकिन मुझे उसके बुरे कामों को नहीं मालूम था। वो मुझे इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसके इतने रिश्तेदार नहीं थे, यानी वो मेरा ख्याल रखता था। पता नहीं वो कब आता था, कब जाता था, उसकी कोई खबर नहीं थी मेरे पास। तुम्हें ये नहीं बताया उसने कि वो करता क्या है? शायद वो मैकेनिक का काम करता था, मुझे उसके घर का नहीं पता। पर वो मर गया अजीब तरीके से। पर जब मुझे पता चला कि वो गाड़ी वगैरह की चोरी करता है, ये आदमी जब भी मेरे घर ठहरता था तो पुलिस हर वक्त मेरे घर के चक्कर लगाती थी। इस हरकत की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तुम्हें रसूल के उन कामों का नहीं पता था क्या? बिल्कुल। वो किसके साथ काम करता था पता है? मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या करता था, क्या नहीं करता था। वो बस मुझे आकर कभी कभी पैसे दे जाता था, क्योंकि मेरे दादा ने कहा था करने को, वही हो गया।
अगर तुम्हें कुछ पता चले या तुम कुछ सुनो या पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो मुझे फोन करना। हमारे लिए ये बहुत अहम बात है। तुमने कुछ बताया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। हम आपका फिर से इंतजार करेंगे मकबूला बीबी। ठीक है फरीद साहब, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जल्द मिलते हैं ब्लूथ मेरी जान। बाय बाय, फिर मिलेंगे। गुड बाय। गुड बाय। तुम्हें मकबूला आंटी पसंद है? जी पसंद आई। अब से हमारे पीछे वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम साथ में पढ़ाई करेंगे और खेलेंगे। अच्छा है। मामू नाजली कहाँ है? वो तो रेस्टोरेंट में है, थोड़ी देर में आएगी। तो क्या हम उसके पास वहाँ जाएंगे? नाजली अभी बहुत मसरूफ होगी, मेरे ख्याल में उसको भी तंग नहीं करना चाहिए। और अभी खेल भी शुरू होने वाला है। हम बहुत अच्छे, चलो चलते हैं। जाने वाला आए, आए, हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। ये तकरीबन अपनी आधी जिंदगी पानी में और आधी जमीन पर गुजारता है। खानदान सफीने से ताल्लुक रखने वाले बेपरवाज बहरी परिंदों की मुतादिद अनवा में से कोई एक, जो ज्यादातर पेंगुइन का लीडर है, जुनूब कुतुब या जुनूबी कुतुब के इलाकों में महदूद होते हैं। कमरे में क्यों नहीं आई? मेरा दिल नहीं किया। इनके पर हाथों की तरह के आसमान की वजह से और तैरने के लिए हर फसाद की जड़ आसमान नहीं होती है। फरीद, सबके बारे में बात करने का वक्त नहीं है, छोड़ दो। जालीदार पांव पतवारों का काम करते हैं। पेंगुइन मुनफरिद अजीबो गरीब आबी परिंदा है। इसे उर्दू और अरबी में बतरीक कहते हैं। ये कुतुब जुनूबी में पाया जाता है।
चलो अपना काम खत्म करते हैं और बाहर से होके आ जाए, इससे पहले मामू उठ जाए। ठीक है। तुम्हारे मामू आ गए। मामू, हमने फ्रूट्स खा लिए और तैयार हैं। बहुत शरारती बच्चे हो तुम। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग मेरी जान। चलिए वरना देर हो जाएगी। चलो जल्दी से अपना कोट। चलो ये पहनो, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। बहुत शुक्रिया। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ आओ, पहले अपना बैग ले लो। अच्छा ठीक है, ये लो। लाए। गुड, वेरी गुड। चलो। वैसे जेहान साहिबा कुछ जल्दी नहीं आ गए इंटरव्यू के लिए? तुमने हाँ कर दिया था क्या? हाँ तो कर दी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी देख लो एक दफा। उसके हवाले मजबूत और तजुर्बेकार हैं। वैसे तुम्हें इतना यकीन है? मालूम नहीं, देखते हैं क्या होता है। हर नई इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन अगर हम रिस्क एनालिसिस करके पहले से सारे रिस्क प्रेडिक्ट कर लें तो इन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है। मैं आपसे एक अच्छा एनालिसिस और एक सॉलिड प्लान चाहता हूँ। मुझे बस इतना ही कहना था, अब आपकी बारी है। इस वीकेंड तक मैं एक जबरदस्त सा प्लान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मिलके अच्छा लगा। सर आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको विजिट करवा देती हूँ। मुझे समझ नहीं आता इस स्टेडियम को जहन्नुम क्यों कहते हैं, कितना अच्छा स्टेडियम है। मैच वाले दिन आप यहाँ आइए, समझ जाएंगी कि इसे जहन्नुम क्यों कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी फिर। जरूर होगी। Have a good day. तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है एंगेन, आखिर ये मेरा अपना घर है। ऐसा है तो फिर सारी मीटिंग्स यहीं पे कर लिया करेंगे, अगर तुम्हें इतनी पसंद आ गई है तो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। फरीद सर, मिस्टर जिहान आए हैं। हेलो। हेलो, खुशामदीद जिहान। बहुत शुक्रिया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। अभी के लिए तो ये इतना काफी है। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। Have a nice day. शुक्रिया, फिर मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये शख्स ये काम कर सकता है? हाँ ऐसा लगता है, लेकिन हम फिर भी आखिरी बार तहकीक जरूर करेंगे। मैं बाहर से किसी को नौकरी पे हायर करना नहीं चाहता। ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा पुरजोश दिख रहे हैं। हाँ वैसे डेनिस काफी हिमायत नहीं करता उसकी? हाँ करता है, मगर वो जब से स्टेडियम आया है बहुत उलझा हुआ है। ख्याल रखना कहीं बुलुत को वो उसका हिमायती ना बना दे। शायद बुलुत उसको बना दे। सिया! सफेद! सिया! सफेद! कौन जीतेगा? बेशिताश चैंपियन। बेशिताश। यस। वैसे डेनिस को तो देखो, जरा दो मिनट में मेंबर बन गया। तुमने देखा ये मैंने क्या किया, यही स्टेडियम का जादू है। कौन जीतेगा? विशिताश। कौन जीतेगा? विशिताश। कौन जीतेगा? विशिताश। कौन जीतेगा? मैं भी इस जगह को देखकर पुरजोश हो गया हूँ। बहरहाल तमाम टीमें आपस में भाई भाई हैं। ताली। ये। ये स्टेडियम वाकई बहुत खूबसूरत है। बुलुत भी माशाल्लाह अच्छे मूड में है, तुमने अच्छा किया। अब से हम सब लोग खेल देखने आएंगे, हमारी नशिस्तें तैयार हैं। चाहो तो तुम भी आ जाओ। नहीं मैं नहीं चाहूंगा। क्या परेशानी है तुम्हें? इसका कोई एक जवाब नहीं है। मसलन? मसलन मेरी बहन को कंपनी से बाहर निकालना। मेरा ख्याल था हम इसको खत्म कर चुके हैं। नहीं नहीं, अभी ये मामला हल नहीं हुआ है फरीद। मैं फिक्रमंद हूं अपनी बहन के लिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। इस पे मजबूर है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था। वो ये है कि शराफत से खेलो और हक से जीतो। उन्होंने शराफत से नहीं खेला डेनिस, उनको जो मिला वो उसके मुस्तहिक थे। खैर जिंदगी में सिर्फ सियाह और सफेद नहीं बल्कि सुरमई रंग भी होता है। इतनी शिद्दत पसंदी अच्छी नहीं। हाँ सही कह रहे हो, ग्रे भी अच्छा रंग है। इत्तेफाक से हमारी तो कुछ जर्सियां भी गिरे हैं, लेकिन कभी जिंदगी में बस सिर्फ स्याह और सफेद ही होता है।
देखो अदालत में मैंने जो तुम्हारे लिए बोला है वो मेरे अलावा किसी और को नहीं मालूम है। अगर वो हकान और बाजी को पता चल गया तो ये धमकी है क्या? नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि बाजी को उसका अपना हिस्सा दे दो तुम, वो हिस्सा जो देमीर उसको देना चाहता था। ये बात ठीक है कि हकान एतमाद के लायक बिल्कुल भी नहीं और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन बाजी उसकी फिक्र है मुझे। उसे उसका हिस्सा देकर कंपनी वापस बुला लो। ठीक है, जो तुम बोलो। डैमेज जब चाहे अपनी कंपनी में वापस आके काम कर सकती है। हम तुम्हारी बहन को उसका 5% हिस्सा दे देंगे जो कि डैमेज ने दिए थे, लेकिन हकान इस कंपनी में नहीं आ सकेगा। हाँ है यहाँ, और इन सब के पीछे एक बड़ी दास्तानें हैं कामयाबियों की। पता है तुम्हें, दर्द के बगैर कुछ नहीं मिलता। लोगों ने ये ट्रॉफियां जीतने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या तुम्हें याद है कुछ साल पहले स्टेडियम में तामीर हो रही थी, जब हम यहाँ से गुजरे थे हम स्टेडियम के छत की लकीरें गिन रहे थे, कितनी पूरी हो गई और ये कब खत्म होगी, याद है ना तुम्हें? हमने इंटरनेट पर उसकी तामीर लाइव देखी थी। वक्त तेजी से गुजर जाता है और तुम बहुत खुशकिस्मत बच्चे हो कि इस उम्र में 2 चैंपियनशिप्स देख ली हैं तुमने। मामू वो कौन है? आओ बुलत, ये हमारे मोहतरम सदर सुलेमान साहब हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी अपने काम के लिए वक्फ कर दी। ये वो मोहतरम शख्सियत हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने काम को दे दिया। हम पर बहुत एहसान है इनके। पता है तुम्हें, सुलेमान साहब का एक कॉल है जो कि मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा बड़े काम करने के लिए अच्छा बनना जरूरी है। वाह भाई, कहां हो तुम? यही है, मैं इसे बता रहा था हमारी हिस्ट्री के बारे में। हाँ भाई, पसंद आई तुम्हें? बहुत पसंद आई मुझे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चा तो कमाल हो गया भाई। ये हेलो फरीद, एक मसला हो गया है। ज्यादा करीब नहीं जाए वरना समझ जाएगा वो। असल में मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी नहीं स्कूल जा सकता, तुम जाओ। एक मिनट, मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ, घर के किचन में नहीं रेस्टोरेंट के किचन में। बहुत कुछ पकाना है, मैं नहीं जा सकती। तुम्हारे पास तो असिस्टेंट्स हैं नाजली, उनको करने दो। क्या तुम्हारी असिस्टेंट तुम्हारी अहम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं क्या? नाजली ये खास मीटिंग है और कोई नहीं जा सकता। अगर तुम भी नहीं जा सकती तो तारिक को कॉल कर दो। मैं बता रही हूँ फरीद, ये बहुत अहम है, उसने एक बच्चे को मारा है। नाजली ये बच्चे हैं, लड़ाई भी हो जाती है और चोट भी लग जाती है, परेशानी की क्या बात है इसमें। तारिक को जाने दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छा, तुम भी इतना परेशान ना हो। जी बोलिए फरीद साहब। ताहिर,
बाकी तुम्हारा पीछा कर रहा है, मीटिंग वाली जगह पर मत जाना, ऐसे ही घूमते रहो, कुछ खाओ पियो, फिर दुकान पर वापस चले जाना, ठीक है? ठीक है फरीद साहब, अल्लाह गारत करे तुम्हें, बेड़ा गरक हो तुम्हारा इस आदमी।